नमस्कार, अपराह्न खबर को स्वागत। पूर्व भारतर सर्वबृहत सरकारी इक्मो युनिट्र लोकार्पण कले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। कटक बड़ मेडिकल रे आज मिली बिना मूल्य रे इक्मो चिकित्सा। बड़ मेडिकल रे 9टी इक्मो मशीन बसा जाई, सेथिरु 6टी कोरोना रो सुस्थ हेबा परे गुरुतर होतिबा रोगींक पई ओ अन्य 3टी कोरोना संक्रमितक पई व्यवहार करा जिवो। ओडिसा लोकंकु इक्मो जंत्र चिकित्सा पई आउ बाहर को जिबाकु पडिबो नाही। मेसीन चालना पई 19 जन डाक्टर ओ सहायक कर्मचारी को 2टी पर्याय रे तालीम दिया जाय छि। प्रिय भाई ओ बोनी माने नमस्कार। आपण जानती आज अमर कटक एससीबी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रे 9टी इक्मो मशीन मु ओडिसा बासिन को पई डेडिकेट कॉलेज। ईस्टर्न इंडिया रे एहा सबुथरु बडो इक्मो यूनिट। क्रिटिकल कोविड पेशेंट मानू आउ बाहर को जीवा दरकार नहीं। ए यूनिट पाए हाईली क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल मानकू नियुक्त करा जाए छी। एक्मो ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली, किंतु राज्य सरकार मागनारे यही सेवा जोगाई देवे। एथिरे जहाँ भी खर्चा है वो ता लोगों को ऊपरे पड़ीबो नहीं। आपन को सरकार सब खर्च बहन करिबे। सेकंड वेव रो स्मृति बहुत कष्टदायक। लॉकडाउन एबे रिलैक्स होई छी, किंतु विपद दूर होई नहीं। बीएमसी ओ एएसआई रो कर्तृपक्ष माने मिलित भाबरे लिंगराज मंदिर रो संरक्षण ओ पुनरुद्धार कार्य रो समीक्षा करिछंती। मंदिरारु सामान्य पानी गळुथिले भी मंदिर प्रति कौनसी विपद नथिबा कुहा जायछि। फनी तूफान रे सिंहद्वार कबाट भांगिथिला। वैषयिक विशेषज्ञ दल सह आलोचना परे मरामति हेबो। नुआ कबाट निर्माण कार्य चलीछि। नाट्य मंडप रे पानी गळिथिबारु मरामति योजना को अनुमोदन मिलिछि। शीघ्र कार्य आरंभ हेबो बोली एएसआई अधीक्षक अरुण मल्लिक सूचना देछंती। बीएमसी कमिशनर संजय सिंह कहिछंती जे भक्त एवं सेवायतक सुरक्षा को सर्वोच्च गुरुत्व दिया जायछि। आमे बुली की देखिलु कि मंदिर भितरे कौन कौन प्रॉब्लम समस्या रही एवं केमिति आमे जो मंदिर जो कंजर्वेशन काम हो रिस्टोरेशन काम हो मंदिर भितरे किपरी भावरे प्रायोरिटाइज हबा कथा सेतिपाई आमे आसीथिलु एवं ता उपरे वर्तमान आमे आउरी बसिकी देखिबा कौन काम केमिति करी हबो। जेमिति कि जोपरी भावरे आज पर्यंत सुरक्षित रहिछि से परि भावरे आगे भी केमिति सुरक्षित रहिबो तापई आमे देखिबा पई आसिथिलु। तृतीय लहरा रे पिक बढ़ी पारे बोली सूचना देछंती राज्य स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र। एथिपई आमे प्रस्तुत रहुछु। केन्द्र सरकारक पक्षरु पार्वण रे कटकणा जारी रहिबा पई कुहा जायछि ओ राज्य सरकार एहा उपरे नजर रखिछंती। सठिक समय रे राज्य सरकार पार्वण पई नुआ मार्गदर्शिका आनिबे। आमे सर्विलांस ओ कांटेक्ट ट्रेसिंग जारी रखिछु। आमे भी जाइथिले 10,000 पिक कि जाइथिले द्वितीय लहर रे 10,000 पिक जाइथिले ताकु भी आमे सामना करथिले। तेणु आमर जति कि टेक्निकली दृष्टि रु सामान माने सामना सामने हबा कथा ए जो जिनसटा बढ़िबो बोली कोहा जाउछि प्रेडिक्शन करा आउछि आमे सेति में प्रस्तुत छ। श्रृंखलित गृह परिचालना ने सर्वदलीय बैठक रे आलोचना होईछि। एथर अधिवेशन रे मोट 8टी कार्य दिवस रहिछि। अधिवेशन रे स्टार प्रश्न रहिबो। दिनकु 5 घंटा हेबो गृह कार्य। 10:30 आरंभ होई 1:30 ओ अपराह्न 4टा रु 6टा जाय गृह कार्य चलिबो। मूलतवी प्रस्ताव आलोचना रहिबो। बीजेपी 4 ओ कांग्रेस 2टी मूलतवी प्रस्ताव आनी परिबे। गृह रे कोनोसी कागज दिया जिवो नाही। सबु विधायक ओ मंत्री को एंटीबॉडी परीक्षा करा जिवो। बाचस्पति अध्यक्षत अनुष्ठित एक बैठक में संसदीय व्यापार मंत्री विक्रम आरुख, शासक दल मुख्य सचेतक प्रमीला मल्लिक, कांग्रेस विधायक दलर नेता नरसिंह मिश्र प्रमुख जोगदेले। केरल में कमुनी कोरोना संक्रमित संख्या। गत 24 घंटा 30,007 नुआ पजिट चिह्नट होती। राज्य में पजिट रेट रही 19%। मोट संक्रमित संख्या 39,13,000 पहुंची बेले मृत्यु संख्या 20,134 पहुंची। ओनम पर्व पर संक्रमण बढ़ी आशंका।
गत किछि दिन धरि केरल रे संक्रमितक संख्या वृद्धि पाउथिबारु तृतीय लहर आरंभ होइथिबा संभावना रहिछि। काबुल अंतर्जातीय विमान बंदर रे घटिथिबा भयंकर विस्फोरण पई कुख्यात आतंकवादी संगठन आईएसआईएस निजकु दायी करिछि। आईएस रा खोरसान संगठन पक्षरु सीरीज विस्फोरण सह आत्मघाती हमला करा जायथिला। काबुल एयरपोर्ट को निज नियंत्रण को नै अमेरिका लोकक एयर लिफ्ट करुछि। अमेरिका सेना जवान को टारगेट करी ही एपरी हमला होइथिबा आईएस कहिछि। एथिसह आत्मघाती हमला रे शामिल थिबा आतंकी रा फोटो मध्य जारी करिछि। आजिर अपराह्न खबर को एठी रखुछि। नमस्कार।